हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चर वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस, साथ में ये कैप बनाएंगे। और ये जो ड्रेस है वो हमने बिना सिलाई मशीन के और बिना किसी लेस के बनाई है, मात्र 10 रुपये के एक रुमाल का यूज़ करके। तो अगर आपके पास भी सिलाई मशीन नहीं है या फिर कोई लेस नहीं है, तो आप भी बहुत आसानी से मात्र 10 रुपये में ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। और ये जो ड्रेस है वो हम 2 और 3 नंबर के कान्हा जी को बहुत ही इजीली पहना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को ये ड्रेस पहनाकर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लड्डू गोपाल जी को ये सुंदर सी पोशाक पहनाई है और आप देख सकते हैं हमारी कान्हा जी इस ड्रेस को पहनकर कितने अच्छे लग रहे हैं। इसका लुक भी बहुत ही प्यारा आया है। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है, मैंने एकदम सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये ड्रेस बनाना बताया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकेंगे। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है adikulturalworld268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कान्हा जी की ड्रेस बनाने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे एक रुमाल ले लिया है। ये मुझे 8 रुपये पर पीस मिला है, क्योंकि मैंने थोक में लिया था इसीलिए मुझे ये 8 रुपये में मिला है। अगर आप सिर्फ एक रुमाल लेंगे तो बहुत ही ईजिली आपको ये 10 रुपये में मिल जाएगा। और इसे जब हम कान्हा जी को पोशाक बनाकर पहनाएंगे तो वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आरामदायक रहेगा, क्योंकि ये जो रुमाल है काफ़ी सॉफ्ट है, साथ ही साथ मोटा भी है। तो इसे बनी हुई पोशाक से कान्हा जी को ठंड भी नहीं लगेगी। अब मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो सबसे पहले इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल चौड़ाई है वो देखिए 9 इंच यानी कि 9 इंच है, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो भी 9 इंच यानी कि 9 इंच है। अब हमें कटिंग करनी है घेर के लिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो नीचे से इंटरलॉक वाली साइड है, यहाँ से हम मेज़र करना शुरू करेंगे और 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ऐसे ही 2.5 इंच पे मार्किंग करते हुए हमें इसको लास्ट तक कंप्लीट करना है और कट करके निकाल लेना है। नीचे की तरफ से हमने देखिए एक पीस कट करके निकाल लिया है 2.5 इंच की चौड़ाई के साथ। अब हमें एक पीस और कट करना है, तो जो दूसरा पीस हम कट करेंगे उसको भी देखिए इधर नीचे की तरफ से करेंगे, जिधर से इंटरलॉक वाली साइड होगी, जहाँ से हमने कटिंग की है उधर से हमें नहीं करना है। तो इस तरीके से हम एकदम बराबर करते हुए इसको रख लेंगे और एक पीस और कट करेंगे। दोनों पीस हमने यहाँ पे देखिए कट कर लिया है। अब इन दोनों को हम जॉइंट करेंगे, जिससे कि ये जो कपड़ा हमने कट किया है इसकी लंबाई बढ़ जाएगी और घेर अच्छी आएगी ड्रेस में। तो पहले हमें एक पीस सीधा रखना है और दूसरे पीस को पलट कर हम पीछे की तरफ से रख देंगे, यानी कि दूसरे पीस की सीधी वाली साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है। और यहाँ किनारे से हम सुई धागे से टक करके इसको जॉइंट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम ये जो ड्रेस बना रहे हैं वो सुई धागे से बनाएंगे, सिलाई मशीन का यूज़ करके नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सुई धागा ले लिया है और इसमें डबल करके धागा डाला है, जिससे कि मजबूती आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों ही पीसेस को सुई धागे से टक करके जॉइंट कर लिया है और आप देख सकते हैं हमने एकदम पास पास में इसको टक किया है मजबूती के साथ, जिससे कि इसमें बहुत अच्छी मजबूती आई है और ड्रेस जल्दी खुलेगी नहीं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं दोनों कॉर्नर्स पे और यहाँ नीचे की तरफ से भी हमने ये इंटरलॉक वाली साइड रखी है, तो इसमें हमें कोई भी लेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें तो कोई भी लेस लगा सकते हैं, इससे ड्रेस का लुक और भी अच्छा हो जाएगा। पर मैंने यहाँ पे इंटरलॉक वाली साइड रखी है इसीलिए कोई भी लेस नहीं लगाऊंगी। अब इस तरीके से हमें इसको रखना है और इसमें प्लेट्स डालनी है। तो सबसे पहले देखिए हमें किनारे से थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है और दोनों तरफ से पकड़ के फोल्ड करते हुए ऐसे हम पहली प्लेट डालेंगे। पहली प्लेट डालने के बाद अब हमें इसको भी टक करना है, जिससे कि प्लेट्स खुले नहीं। तो ऐसे हम इसको टक करेंगे। इस तरीके से अब हमें दूसरी प्लेट डालनी है, तो दूसरी प्लेट भी हम देखिए दोनों तरफ से पकड़ के फोल्ड करेंगे और जो पहली प्लेट हमने डाली है इसके ऊपर हम ऐसे दूसरी प्लेट रखेंगे, फिर इसको भी टक कर लेंगे। इस तरीके से तो आप देख सकते हैं प्लेट्स यहाँ पे टक हो रही हैं और ये खुलेगी भी नहीं। ऐसे ही हमें फिर से तीसरी प्लेट डालनी है,
दोनों तरफ से पकड़ के फोल्ड करते हुए और दूसरी प्लेट के ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़ के रख देना है। और यहाँ पे हम इसको लॉक करेंगे। ऐसे ही एक के ऊपर एक करते हुए हमें प्लेट्स डालते जाना है और ऊपर की तरफ से हम टक कर लेंगे। प्लेट्स डालते हुए हमने देखिए कमर पे भी सुई धागे से टक कर लिया है और आप देख सकते हैं इसकी घेर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। ऊपर की तरफ से हमने मजबूती के साथ इसको टक कर लिया है। अब हमें इसमें चोली जॉइंट करनी है बनाकर। तो सबसे पहले मैं आपको कमर की टोटल चौड़ाई बता देती हूँ। तो देखिए कमर की यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने 4 इंचेस यानी कि 4 इंच रखी है। अब जो हम चोली की कटिंग करेंगे तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल चौड़ाई होगी वो हम 5 इंच यानी कि 5 इंच रखेंगे। जितनी भी कमर की टोटल चौड़ाई होगी उसे 1 इंच ज़्यादा चौड़ाई हमें चोली की रखनी है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 5 इंच ये हो रहा है, हमें 5 इंच पे मार्किंग करनी है। और इधर की तरफ से मेज़र करते हुए हमें 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ से यहाँ तक 5 इंच पे मार्किंग की है और फिर ऐसे मेज़र करते हुए हमने 2.5 इंच पे मार्किंग की है। अब हम सारी मार्किंग्स को ऐसे करके मिला लेंगे, फिर हमें ये पीस कट करके निकाल लेना है। कट करने के बाद अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसको अभी हम साइड में रखेंगे क्योंकि हमें कान्हा जी के लिए कैप भी बनानी है। और ये जो चोली के लिए हमने पीस कट किया तो इसको हमें पहले पलटकर पीछे की तरफ से रखना है और दोनों साइड से हम सिर्फ एक बार इसको फोल्ड करके और सुई धागे से टक कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसको फोल्ड करना है और टक कर लेना है क्योंकि एक तरफ से तो ये इंटरलॉक वाली साइड है पर इधर की तरफ से ये कटिंग वाली साइड है। तो जब हम इसको फोल्ड कर देंगे तो ये सिक्योर हो जाएगा और चोली का लुक भी अच्छा लगेगा, साथ ही साथ कपड़ा निकलेगा नहीं, चोली जल्दी ख़राब नहीं होगी। दोनों तरफ से सुई धागे से टक करने के बाद अब यहाँ ऊपर की तरफ से हमें इसमें डोरी लगानी है। तो मैंने देखिए सिल्वर कलर की रेडीमेड डोरी में से एक पीस कट कर लिया है। अगर आपके पास इसमें की डोरी नहीं हो तो आप शॉर्टन रिबन, टिश्यू रिबन या फिर खुद से डोरी बनाकर भी लगा सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से हमें डोरी रखनी है और ऊपर से हमें सिर्फ एक बार इसको फोल्ड करना है इस तरीके से और एकदम नीचे की तरफ से हम इसको सुई धागे से टक करके जॉइंट करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि डोरी जॉइंट नहीं होनी चाहिए, इसीलिए डोरी को हम एकदम ऊपर की तरफ रखेंगे और जो हम टक करेंगे इसको वो एकदम नीचे से करेंगे क्योंकि अगर डोरी जॉइंट हो जाएगी तो फिर कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में प्रॉब्लम होगी। हमने देखिए डोरी डाल के सिलाई भी लगा ली है और हमने एकदम नीचे की तरफ से सिलाई लगाई है तो डोरी जॉइंट नहीं हुई है, इसको हम बहुत ही इजीली इधर उधर खिसका सकते हैं। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है तो सबसे पहले हम बीच में से देखिए एक बार इसको एकदम बराबर करते हुए फोल्ड करेंगे। एक बार हमने फोल्ड किया, अब इधर से ये ओपन वाली साइड है और इधर से ये फोल्डेड वाली साइड है। तो जो फोल्डेड वाली साइड है इधर से हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे और इस बार हमें पूरा फोल्ड नहीं करना है, थोड़ी सी जगह किनारे से छोड़ते हुए फिर देखिए ऐसे हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब यहाँ जो हमने डोरी लगाई है उधर की तरफ से मेज़र करते हुए हमें 1 इंच पर मार्किंग करनी है। मैं पेन से मार्किंग करके दिखा देती हूँ जिसे आपको समझ में आएगा। तो देखिए हमने यहाँ 1 इंच पे मार्किंग करी है। अब हम यहीं पे कट करेंगे स्लीव, तो बहुत ही छोटा सा स्लीव हमें कट करना है, बड़ा स्लीव नहीं कट करेंगे हम क्योंकि ये जो फैब्रिक है ना वो फैलने वाला होता है रुमाल का, तो इसीलिए हम पहले छोटा सा स्लीव कट करेंगे। अगर आपको बाद में ओपन करने के बाद छोटा लगता है तो आप उसको बड़ा कर सकते हैं, पर अगर हम शुरू में ही बड़ा स्लीव कट कर लेंगे तो वो कान्हा जी के लिए बहुत ढीला हो जाता है। कट करने के बाद जब हम इसको ओपन करेंगे तो देखिए इसका शेप कुछ ऐसे आ जाएगा। अब आप चाहें तो कान्हा जी को पहना के मेज़र भी कर सकते हैं। अगर आपको स्लीव छोटी लग रही है तो आप थोड़ी सी बड़ी कर लें, वैसे तो देखिए ये फैलता है फैब्रिक तो आपको स्लीव बड़ी नहीं करनी पड़ेगी। अब हमें चोली को स्कर्ट में जॉइंट करना है, तो पहले देखिए हमने चोली को एकदम सीधा करके रखा है और हम स्कर्ट ले लेंगे। स्कर्ट को हमें पलट कर पीछे की तरफ से रखना है और इस तरीके से हम यहाँ ऊपर की तरफ से रखेंगे
कमर पे एकदम बराबर करते हुए फिर यहाँ से यहाँ तक सुई धागे से टक करके जॉइंट कर लेंगे। अब लास्ट में हमें देखिए कमर पे भी एक एक डोरी लगानी है, तो मैंने यहाँ पे सिल्वर कलर की डोरी से दो पीसेस कट कर लिए हैं और एक पीस अब हमें कमर के इस साइड पे रखना है और यहाँ पे सुई धागे से टक करके जॉइंट कर लेना है। और जो दूसरा पीस है इसको देखिए कमर के इस साइड हम रखेंगे जहाँ से हमने इसमें घेर जॉइंट की है और सिलाई और सुई धागे से टक करके जॉइंट कर लेंगे। दोनों तरफ से कमर पे डोरी लगाने के बाद अब देखिए ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है। हम कान्हा जी के लिए कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे ये बचा हुआ फैब्रिक ले लिया है और इधर की तरफ से जो इंटरलॉक वाली साइड है यहाँ से मेजर करने पे देखिए इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो 3.5 इंच यानी कि 3.5 इंच आ रही है। और अब हमें इसको ऐसे मेजर करना है, मेजर करते हुए हमें 2 इंच यानी कि 2 इंच पे मार्किंग करनी है। ऐसे ही कॉर्नर तक मार्किंग करके और हम एक पीस कट करके निकाल लेंगे। देखिए हमने मार्किंग कर ली, अब हम इसको ऐसे मिला के फिर एक पीस कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हमें इसको बीच में से एक बार ऐसे फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद देखिए ये जो ओपन वाली साइड है यहाँ पे हम सुई धागे से टक करके इसको जॉइंट कर लेंगे। किनारे से जॉइंट करने के बाद अब यहाँ नीचे की तरफ से आप चाहें तो कान्हा जी को पहना के मेज़र कर सकते हैं कि सिर का साइज़ एकदम सही आ रहा है या नहीं। अगर आपको इसको छोटा करना है तो थोड़ा सा आगे की तरफ से इसको टक कर लीजिए और अगर आप इसको थोड़ा सा और बड़ा करना चाहते हैं तो एकदम किनारे से टक कर लीजिए, जिससे कि आप कैप की साइज़ कान्हा जी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ ऊपर से भी हम इसको जॉइंट करेंगे तो इस तरीके से हमें देखिए ऊपर से थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए फिर इसको ऐसे टक करना है और ऐसे ही हम ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। चारों तरफ से टक करने के बाद अब हमें खींच के ऐसे इसको टाइट करना है और दो बारी हम ऐसे धागे को लपेट लेंगे, फिर हमें यहाँ पे इसको लॉक कर लेना है अच्छे से 3-4 बार जिससे कि ये खुलेगा नहीं। लॉक करने के बाद अब यहाँ ऊपर की तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके निकाल देंगे। ध्यान रखना है हमें जो सुई धागे से हमने टक किया है वो नहीं कटना चाहिए। कट करने के बाद अब हमें कैप को पलटकर सीधा कर लेना है। पलटने के बाद देखिए कैप का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा और अब हमारे कान्हा जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है।